हेलो गाइज, आप लोग को इस वीडियो के जरिए सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन फी पेमेंट करेंगे। तो आप लोग को मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके रखें। जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन फी पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और जो लोग इस वेबसाइट पर नहीं आ पाएगा उन लोगों के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, तो वहां पर से आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आने के बाद देखिए यहां पर लिखा गया है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, यहां पर दिख रहा होगा आप लोगों को इंपॉर्टेंट लिंक के नीचे में, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। टच करने के बाद यहां पर अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा, तो यहां पर नीचे में देखिएगा तो यहां पर लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को JEEELCE 2021। तो इसके राइट साइड में देखिए अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। टच करने के बाद आप लोगों के सामने यहां पर इस तरह का आएगा, तो ओके कर देना है। ओके करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा, तो यहां पर देखिएगा यहां पर भी आप लोगों को देख लेना है पोस्ट डिटेल में कि JEEELCE। तो इसमें देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, तो इसी में आप लोगों को टच करना है और यहां पर ओके कर देना है। फिर अगला पेज आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का खुल के आएगा, तो यहां पर देख लीजिएगा यहां पर आप लोगों को लॉग इन करना है, क्योंकि आईडी क्रिएट कर लिए हैं और आधा फॉर्म भर भी चुके हैं, बस आप लोगों का जो पेमेंट प्रोसेस होता है वो रुका हुआ है, तो आप लोगों को यहां पर लॉग इन करना है। तो चलिए मैं यहां पर लॉग इन करता हूं, और जो लोग भी डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आना चाहते हैं या फिर इस पेज पे आना चाहते हैं लॉगिन वाले पेज में, तो उन लोगों के लिए भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, तो वो लोग उस लिंक को टच करके डायरेक्टली यहां पे आ सकते हैं, इस पेज पे आ सकते हैं। फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ एप्लीकेशन नंबर, तो यहां पर एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहां पर पासवर्ड डाल करके यहां पर जो कैप्चा कोड दिया गया है उसको ऊपर में लिख करके जैसा है वैसे ही लिख करके, जो छोटा है छोटा में, जो बड़ा है बड़ा में लिख करके यहां पर लॉग इन कर देना है। जैसे ही आप लोग लॉग इन पे टच कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का आएगा, तो यहां पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहां पर देखिएगा तो आप जो भी फॉर्म भरे थे वो सारा चीज यहां पे डिटेल शो करेगा, तो नीचे आइए तो देखिए यहां पर लिखा हो प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो आप लोग का जो अगला प्रोसेस होता है वो पेमेंट का होता है, तो यहां पर मैं 24 घंटा के बाद पेमेंट कर रहा हूं, तो यहां पर देखिए प्रोसीड फॉर पेमेंट में कर देता हूं। करने के बाद देखिए यहां पर लिखा क्या गया है नीचे में कि यहां पर सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट, तो आप लोगों को सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट में टच करना है। तो चलिए मैं टच कर दिया, टच करते हैं अगला पेज जो आप लोगों के सामने आएगा वो SBI का आएगा, और ये एक गेटवे है SBI का, तो यहां पर देखिएगा नीचे में आइएगा तो यहां पर लिखा हुआ है कि आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन स्टेट्स अबव, तो यहां पर देख लीजिएगा यहां पर कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ना चाहे तो यहां पर आप लोगों को टिक लगा लेना है चेकबॉक्स में और फिर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल आएगा, यहां पर आप लोगों को पेमेंट कैटेगरी देखने को मिलेगा, तो यहां पर आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा पेमेंट कैटेगरी। तो देखिए यहां पर दो पेमेंट कैटेगरी शो करता है, तो आप लोगों को नीचे वाला को सिलेक्ट करना है जिसमें लिखा गया है JEEELCE 2021, तो इसी में आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है इसी को, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे में आप लोगों से पूछा जा रहा है यहां पर कि एप्लीकेशन नंबर, तो आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा उसको यहां पर इंटर कर देना है। एप्लीकेशन नंबर इंटर करने के बाद यहां पर सबमिट दिख रहा होगा, इसी में आप लोगों को टच करना है। टच करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा, देखिए तो यहां पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, यहां पर सारा डिटेल आपका आ जाएगा, तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा किस एग्जाम के लिए आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो यहां पर देख लीजिएगा JEEELCE, तो ये वाला आप सिलेक्ट कीजिएगा, तो एक बार देख लीजिएगा आपका है या नहीं, फिर देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर है या नहीं वो शो करेगा, फिर आपका नाम यहां पे फादर नेम भी शो करता है, और यहां पे जो आपका कैटेगरी है वो भी शो करता है, आपका मोबाइल नंबर भी शो करेगा, और आपका जो एग्जामिनेशन फी लग रहा है वो कितना लग रहा है वो भी शो करेगा, जैसा कि मेरा यहां पे 50 रुपया शो कर रहा है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहां पे एप्लीकेशन फी लग रहा है, जिसमें कि STSC लोगों के लिए यहां पे 50 रुपया और जो OBC जनरल है उन लोगों के लिए यहां पे 100 रुपया लग रहा है। तो इस तरह का देख लीजिएगा, फिर यहां पर आप कुछ लिखना चाहते हैं रिमार्क्स में तो लिख सकते हैं। फिर देखिए नीचे में यहां पे आप लोगों से पूछा जाएगा आपका नाम, तो आप जो भी नेम डाले हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम वही नाम यहां पे देना है, और यहां पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, फिर मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, फिर यहां पे ईमेल आईडी, और यहां पे इंटर द टेक्स्ट टोन इन, तो इस वाले कैप्चर को यहां पे उतार देना है। उतारने के बाद देखिए नीचे में आप लोगों को दिख रहा होगा सबमिट का ऑप्शन, तो सबमिट कर सकते हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ी हो गया है तो आप रिसेट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा, तो यहाँ पर आपका जो डिटेल है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा जो भी डिटेल है वो सही है या नहीं। अगर आपका जो डिटेल है वो सही है तो नीचे में दिख रहा होगा आप लोगों को कंफर्म, तो कंफर्म कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा, जो कि यहाँ पे SBI का कलेक्ट मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पर कि कैसे कैसे
आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, मल्टी सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप करते हैं पेमेंट तो बैंक चार्ज आपको 11.08 रुपया देना होगा, जिसके लिए यहाँ पर से क्लिक हियर करके आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर देखिए अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो यहाँ पर 17.07 रुपया देना होगा, जिसके लिए यहाँ पर क्लिक हियर पर टच करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। यानी ऊपर दोनों जो दिया गया है वो इंटरनेट बैंकिंग के लिए है। फिर नीचे में देखिएगा तो यहाँ पर कार्ड पेमेंट के लिए दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर रुपए कार्ड से करते हैं तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। जिस फिर देखिए नीचे में क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो यहाँ पर 12.98 रुपया लगने वाली है। फिर देखिए यहाँ पर प्रीपेड कार्ड से करते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना लगने वाला है, 12.98 रुपया चार्ज लगने वाला है। फिर यहाँ पर देखिए फॉरन कार्ड से करते हैं तो बैंकिंग चार्ज यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, जो कि यहाँ पर नोट इनेबल, यानी कि यहाँ पर फॉरन कार्ड यूज नहीं कर सकते हैं आप लोग। और नीचे में देखिएगा तो यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया गया है UPI के लिए, तो UPI से अगर पेमेंट करते हैं तो भी आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और निफ्ट से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए 15 रुपया चार्ज लग रहा है, और यहाँ पे SBI ब्रांचेस में जा करके पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर 59 रुपीज़ लगने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग कोई भी एक पेमेंट सिस्टम से अपना एग्जामिनेशन फी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर रुपये का डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्लिक हियर लिखा हुआ है, तो इसी में अगर आप लोग रुपये कार्ड से करेंगे तो इसी में आप लोगों को क्लिक हियर पे टच करना है, बाकी का भी कुछ इसी तरह का रहेगा। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक हियर पे टच किया तो अगला पेज कुछ इस तरह का खुल का आया। तो यहाँ पर देखिएगा कितना आपका अमाउंट लगने वाला है वो दिया गया है, और यहाँ पे ट्रैकिंग ID भी दिया गया है। फिर देखिए नीचे में यहाँ पर मैं कार्ड से पेमेंट करूंगा तो यहाँ पर कार्ड नंबर लिखना होगा, यहाँ पर एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर कार्ड होल्डर यानी कि जिसके नाम पे कार्ड है, जिसका कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा। फिर यहाँ पर CVV नंबर जो कि कार्ड के पीछे में रहता है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे CVV नंबर क्या होता है, यहाँ पर 3 डिजिट कार्ड वेरिफिकेशन नंबर होता है जो कि पीछे साइड रहता है, ठीक है। तो फिर देखिए नीचे में आप लोगों को टाइप्स जो यहाँ पे कैरेक्टर है उसको यहाँ पे टाइप कर लेना है और यहाँ पे टच कर देना है। टच करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल का है। फिर यहाँ पर आप लोगों को ऑटोपे डालना होता है, जो कि आपके बैंक की तरफ से भेजा गया है, जिसका भी कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसके मोबाइल नंबर में ओटोपी आया हुआ रहता है, तो वही ओटोपी यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे टच करके सबमिट कर देना है। बैंक ओटोपी सबमिट करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुल का आएगा। तो यहाँ पर आपका सारा डिटेल शो करेगा, यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा, आपका नेम, सारा चीज यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो नीचे में आइएगा तो नीचे में देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड द ई रिसिप्ट, जो कि आपका ई रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर टच करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। देखिए रिसिप्ट में भी वही चीज लिखा हुआ रहता है जो कि ऊपर में लिखा हुआ दिख रहा था। तो यहाँ पर आप लोग प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट पे टच करके प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग PDF में भी सेव कर सकते हैं। फिर चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को JSSC CGL का एग्जामिनेशन फी पेमेंट करना होता है। अगर आप लोगों के इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला, कुछ भी हेल्प मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके रखें, क्योंकि मैं इसी तरह का जॉब से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ इस चैनल पे। तो इतना करके रखिए, और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।